हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गिविंग माय लेक्चर ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी। दिस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इनकम टैक्स है। फॉर दिस सब्जेक्ट यू कैन परचेज बुक ऑफ एस सी मल्होत्रा एंड एस पी गोयल, डॉक्टर आर के जैन, डॉक्टर वी के सिंघानिया of assessment year 2019-20. Before discussion, we should know the following: who and when will be treated in the category of salary holder, who will be liable to pay income tax in the income from salary, what are the different types of income that are included in the income from salary. First, who will be treated in the category of salary holder? When a person provides his or her service under certain agreement on monthly basis, fortnightly basis, weekly basis or daily basis, and getting remuneration regularly from another person is called employee. The person, firm, company, government institution, semi-government company, other institution who appoint the first person under certain agreement on the basis of salary and wages is called employer. Relation between both the party. There must be relation between the employer and the employee for the payment of salary. Salary of the following person are not treated in the head of income from salary. In case of company director or managing director, यदि कंपनी में कोई डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के ऑफिसर की कैपेसिटी में काम करता है और रेमुनरेशन प्राप्त करता है, तो ऐसे डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रेमुनरेशन इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगी, उसकी इनकम अदर सोर्स की इनकम होगी। सेलिंग एजेंट, यदि किसी कंपनी में कंपनी की दुकान सेलिंग एजेंट मैनेज करता है तथा चलाता है, किंतु उसके प्रॉफिट लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, तो ऐसे कंडीशन में सेलिंग एजेंट के रेमुनरेशन इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। लेकिन यदि दुकान मिल की नहीं है और न ही प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी मिल की है और न मिल का प्रबंध है, तो इस कंडीशन में मिल का सामान बेचने पर प्राप्त रेमुनरेशन सेलिंग एजेंट की इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगी। सैलरी ऑफ एमपी एंड एमएलए, एमपी तथा एमएलए की सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होती है, क्योंकि इनका संबंध सरकार के साथ एम्प्लॉयर तथा एम्प्लॉय का नहीं होता है। इनकी सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंप्यूट की जाएगी। सैलरी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में यदि किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है, तो पार्टनर द्वारा प्राप्त की गई सैलरी उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कहलाएगी, बल्कि वह सैलरी पार्टनरशिप फॉर्म की बिजनेस इनकम कंप्यूट करते समय उसको लिया जाएगा। Following receipts from employer shall be treated as the income from salary of employee. A. Basic salary or wages, advanced salary, DNS pay, pension. B. Bonus, commission, annuity and fee. C. Allowances. From the tax point of view, allowances are divided in three categories:
फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस वैसे अलाउंस होते हैं जो एम्प्लॉय की सैलरी में इनकम कंप्यूट करते समय इंटायर अमाउंट ऑफ सैलरी जो इंटायर अमाउंट ऑफ अलाउंसेस जोड़ दिया जाता है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस वैसे अलाउंस होते हैं जो एम्प्लॉयर से प्राप्त तो किए जाते हैं लेकिन वो टैक्स पॉइंट से फुल्ली एग्जेम्प्टेड हैं, इसलिए उन्हें इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते समय नहीं जोड़ा जाता है। पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, इनकम टैक्स एक्ट में एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कुछ ऐसे अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो जिसका कुछ हिस्सा एग्जेम्प्टेड है और कुछ हिस्सा टैक्सेबल है। इनका कैलकुलेट करने के बाद टैक्सेबल पार्ट ऑफ द अलाउंस सेल इंक्लूड इन द इनकम फ्रॉम सैलरी। परक्विजिट्स, अनुलाभ, यह भी कई तरह का होता है, इनका भी कैलकुलेशन किया जाता है। सम आर फुल्ली टैक्सेबल एंड सम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव, एक एम्प्लॉय अपनी सेवा के दरमियान जितनी अर्न लीव बचाता है वह अर्न लीव रिटायर होते समय यदि उसकी उसको इनकैश किया जाता है और उसके बदले एम्प्लॉयर से यदि वह कुछ राशि प्राप्त करता है तो इनकम टैक्स के मुताबिक कैलकुलेट करके जितने अर्न लीव की राशि टैक्सेबल होगी वह उसकी इनकम में जोड़ी जाएगी। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी की राशि भी इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कैलकुलेट करके एससी की इनकम में जोड़ी जाती है। पेंशन, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इफ एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट सर्विस और कंपनी गेट्स पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। पेंशन रिसीव्ड बाय सच एम्प्लॉय हु सर्व्स इन द फॉरेन कंट्री बट पेंशन रिसीव्स इन इंडिया इज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम UNO शैल नॉट बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इट इज 100% टैक्स फ्री। यदि किसी व्यक्ति को शौर्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों द्वारा भी प्राप्त की गई पेंशन कर मुक्त होगी। लमसम अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव्ड, इफ एससी रिसीव्स इंटायर अमाउंट ऑफ पेंशन और सम परसेंटेज ऑफ पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट इन लमसम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। एक्सेस ऑफ 12% कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इफ द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एम्प्लॉई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड देन एक्सेस ऑफ 12% शैल बी इंक्लूड इन द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इफ द एम्प्लॉय गेट्स इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑन RPF मोर देन 9.5%, एक्सेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। लमसम अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शैल बी द पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इन नेक्स्ट क्लास आई शैल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस विच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन डिटेल। थैंक यू।